पिरामिड्स। अगर आपको लगता था कि पिरामिड्स सिर्फ इजिप्ट में है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकास में बहुत सारे पिरामिड्स और उनमें से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत वाला द पिरामिड ऑफ टेकोटिहुआकान और द पिरामिड ऑफ सन दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि है मेक्सिको सिटी के एकदम पास। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर विद योर एक्सप्लोरर राजा। गुड मॉर्निंग एक्सप्लोरर्स। सुबह के सिर्फ 10 बज गए, मतलब बहुत ही सुबह है, बट कल रात को बहुत लेट से सोया और आज सुबह सुबह उठ गया, निकल पड़ा हूँ एक्सप्लोर करने मैक्सिकन खास चीज़। जो खास है वो है मैक्सिको में बहुत सारे पिरामिड्स हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें से एक मैक्सिको में आता है। बट मैक्सिको वाला जो वंडर वाला पिरामिड है वो ये नहीं है, वो है दूसरा, वो हम लोग बाद में जाएंगे। फिर हम लोग गाड़ी में हैं, चलो चलते हैं एक एडवेंचर पे। तेल का टंकी उलट गया है यहाँ पे, पूरे तेल का टंकी इधर उलट गया, उसी वजह से पूरा चक्का जाम है। इधर पीछे मान लो 3-4 किलोमीटर चक्का जाम है, क्योंकि ये मेन हाईवे है। और अब हटा रहे हैं, फिर जा पाएंगे हम लोग। अपने यहाँ पे हाईवे पे झंडा देके तो नहीं, पर हाथ दिखा के बुलाते हैं कि हाईवे में आ जाओ खाने के लिए ढाबे पे। पर यहाँ पे ढाबा नहीं, यहाँ पे सिर्फ टेंट लगा दिया है, टेंट लगा के इतना खाने का दुकान बना दिया। अपना गाड़ी पार्क है हाईवे पे और सब यहाँ पे खाने के लिए रुक गए। एकदम अलग ही लग रहा है और सेम भी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ अपने होस्ट दो बैठे हैं, होस्ट और दोस्त, और यहाँ पे सारे मेनू लिखा है बड़ा करके, ताकि जो गाड़ी से जा रहे हैं वो देख पाए क्या मेनू है। और हम लोग अभी बैठ के यहाँ पे सुबह का खाना खाएंगे। एकदम लग रहा है कि रोड साइड पे कोई पिकनिक चल रहा है सुबह का, ठीक है सुबह का। तो आज का पहला आइटम आया है भेड़ का सूप। भेड़ तो नहीं, सॉरी शीप का, यार शीप वाला बारबेक्यू, वो अपना होता ना गोट का, गोट ही है बट शीप क्या कहते हैं हिंदी में भूल गया, उसका सूप, उसके साथ बहुत सारा रोटी जिसे ये लोग कहते हैं टोटिया, और उसका मीट सूप, और ऐसे खाते सब हाथ देके। और मानुस इन सीरियो बारबेक्यू नो पर नो कुचारा नो कुचारा नो कुचारा पर ना ट्रेलर। तो ऐसे ही खाना है आज का, खाते हैं। बहुत दिनों बाद शिप का मीट मिल रहा है, मतलब लैम्ब मिल रहा है, मटन जैसा ही है, खा लेते हैं। तो भाई ये है अपना शिप का मीट और इसका बन गया हम लोगों का टोटिया, और ये सूप। आगे अपना कोका कोला, मैक्सिमम बहुत कोका कोला खाया जाता है। और यार ऐसे तो अपना मटन बहुत अच्छे से बनता है अपना बंगाल में, बट यहाँ पे सिर्फ इसको फ्राई कर दिया, नमक भी कम है, मतलब रोस्ट करके दिया, बट ठीक है खा रहे, जैसा देश वैसा वेस्ट वैसा उम्मीद है। बहुत कुछ खास नहीं है, बस है तो है, खा रहे। सच बताऊँ अपने जो अपने में जो मसाले है वो मिसिंग है भाई साहब। खाना तो ज़बरदस्त क्वांटिटी में था, पता है बिल कितना आया ऐसे रोड से धावा में 3 जन के लिए? मटन का मीट, 10 छोटे छोटे रोटी, 3 सूप और कोका कोला, 2500 रुपये। 2500 रुपये का बिल आया, मेरा बिल सुन के दिमाग ख़राब हो गया। इतना मिल तो कभी नहीं आता भाई, इतना तो कभी नहीं आता। तो भाई टिकट काट लिया मैंने 130 पैसों का,
130 पैसे मतलब लगभग अपने 450 रुपये हो गए। और मैं आज तक इजिप्ट में भी पिरामिड नहीं देखा, और मैं आ गया यहाँ पे मेक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड देखने। विशाल विशाल आप देखो। इसे कहा जाता है पिरामिड ऑफ गेल्सोर, मतलब सूरज का पिरामिड। कैसे सूरज का पिरामिड? दूसरी जगह पे वो है छोटा वाला, इन्हें दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वो है पिरामिड ऑफ मून, चाँद का पिरामिड। बहुत ही बड़ा पिरामिड है, क्योंकि स्पेनिश लोग आने से पहले यहाँ पे मेक्सिको में सब कोई सूरज को पूजा करता था, सूरज देवता था, सूरज और चाँद। और क्योंकि भाई सूरज इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, तो वही इसकी वजह से इतना बड़ा पिरामिड बना था। और अभी कोविड की वजह से हम लोग अंदर या फिर ऊपर नहीं जा सकते, वरना आप लोग अंदर या फिर ऊपर भी जा सकते हो। और टेक्निकली देखा जाए तो सस्ता ही है, टिकट्स वीकडे को आता है $80 को, 80 पैसों का, और वीकेंड्स को आता है 130 पैसों का, मैंने दिया 130 पैसों। तो भाई चल रहे हैं हम लोग पिरामिड ऑफ सन पे, और तो कहते हैं ये 100 AD में बना है, मतलब मान लो 1900 साल पुराना है। हाँ 1900 साल पुराना ये पिरामिड है, और देख सकते हो एकदम लोग पास से है। पिरामिड में थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे पत्थर निकले हैं ताकि क्लाइम करने में आसानी हो शायद, पता नहीं। और सीरीज तो शायद पहले से ही थे, टूर लेता तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से पता होता, पर ठीक है हम लोग देख के मज़े लेते हैं। तो अभी हम लोग मून की तरफ जा रहे हैं, और धूप बहुत है बट वेदर बहुत सही है। Calzada de los Muertos. Los Muertos? The street the name is Calzada. Avenue? Avenue of Calzada. The Dead. Yeah. तो हम लोग अभी जो चल रहे हैं सूरज से चाँद तक, और जो हम लोग अभी ये वॉक ले रहे हैं, इसको कहा जाता है मरे हुए का रास्ता। दोनों साइड में ऐसे ऊँचे ऊँचे बने हुए हैं, और यहाँ पे आई थिंक मरे हुए लोग जाते थे, पता नहीं फेस्टिवल होता था क्या होता था, इस डिस्कवरी में डॉक्यूमेंट्री देख लेना। क्या कह सकता हूँ, टूर लेता तो टूर बहुत महंगा पड़ जाता। तो ये बेस्ट जगह है फोटो लेने के लिए। तो यहाँ पे 21 मार्च को अगर आप हो मेक्सिको के पास, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि 21 मार्च को होता है इक्विनॉक्स, उसे कहते हैं इक्विनॉप्सो दे पेरामेरा, स्पेनिश में कुछ कहते हैं, जो भी हो 21 मार्च में यहाँ पे होता है सबसे बड़ा फेस्टिवल। क्योंकि उस दिन आप लोग जो पढ़े हो स्कूल में, आपको पता होगा कि सूरज नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 मार्च को सबसे एकदम ऊपर रहता है, पूरे पावर में एकदम टिल्ट रहता है नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज की ओर। तो जो भी इक्वेटोरियल नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो भी रीजन है वहाँ पे सूरज एकदम ऊपर रहता है, और यहाँ पे इसलिए सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि हर हफ्ते में 2 दिन रात को यहाँ पे लाइट शो होता है, तो अगर आप रात को आ रहे हो तो आप लाइट शो का मज़ा ले सकते हो। यही है, बाकी मेरे को यहाँ पे तो बहुत देर रहना था, मेरे को ड्रोन भी उड़ाना था, पर इन्होंने बताया कि ड्रोन नहीं उड़ा सकते, भी नहीं उड़ा सकते तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जितने सारे पिरामिड्स हैं सब देख के ही जाएंगे अभी। तो भाई बहुत सारे खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे, इतने खूबसूरत पत्थर यहाँ पे हैं कि आप
मतलब दिखा, आप देखोगे तो बोलोगे यार ले लूँ सब। सस्ता भी है, सिर्फ 500 रुपये के अंदर मिल जाएगा, अच्छे अच्छे चीज़ें और यूनिक चीज़ें। अगर हर बार बोलता हूँ, अगर ऐसा ऑप्शन आएगा कि हर कंट्री से वापस इंडिया जा सकूँ तो भाई बहुत शॉपिंग कर लूँगा, बहुत शॉपिंग कर लूँगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सस्ती और अच्छी होती हैं यहाँ पे। कोई तो एक माँ का लाल है जो कि चल रहा है इलीगली, मैं नहीं करने वाला, वो मैं उतना ऊपर नहीं चढ़ने वाला। मैं जो करूँगा वो सिंपल है, एक चक्कर लगा लूँगा। मेरे जो होस्ट है और वो सब चले गए मतलब चले नहीं गए, वो सब गाड़ी में वेट कर रहे हैं। मैंने पता नहीं, मैं तो एक चक्कर काट के ही जाऊँगा, फटाफट एक परिक्रमा कर लेते हैं सूरज के इस बड़े पिरामिड का, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। और जो कैक्टस है ये ज़्यादातर मेक्सिको के नॉर्थ में मिलेगा आप लोगों को। जो बड़े बड़े कैक्टस है वो US में टेक्सस या फिर मेक्सिको का नॉर्थ उस साइड में रहता है। हम लोग मेक्सिको के सेंटर में, तो सेंटर में कैक्टस थोड़े कम है और बड़े बड़े कैक्टस है नहीं, बट भाई बड़े बड़े पिरामिड है। और वो कौन है जो उठ गया ऊपर, देख के जलन हो रहा है मेरे को। ठीक है हम नहीं उठते, उठना था मेरे को यार। आप मेक्सिको सिटी से बस ले सकते हो और बस का टोटल खर्चा आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट $20 अप डाउन का। जी हाँ, मेक्सिको में ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, मैंने पहले ही बताया है, बट $20 आप ट्रांसपोर्ट का दोगे और यहाँ पे एंट्री का दोगे ₹500, तो ओवरऑल आपका हो जाएगा 2000 में। इससे तो यहाँ पे कितने सुंदर, हिंदी में मैंने पता इस फूल का क्या कहते हैं, पर हम लोग बंगला में काश फूल कहते हैं। ये अपना अक्टूबर के टाइम बहुत होता है, स्प्रिंग के टाइम अपने उधर, और इधर पिरामिड के ऊपर पेड़ उठने लगे। कुछ भी कर लो, नेचर विंस, यही है यहाँ का रूल। तो अपनी परिक्रमा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक चक्कर लगा दिया मैंने सूरज देवता के सबसे बड़े इस मंदिर या फिर पिरामिड पे, अच्छा लगा आके। और भी अच्छा लगता अगर ऊपर जाने का मौका मिलता, लोग कहते हैं ऊपर जाने से बहुत एनर्जी मिलता है, तो ऊपर जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है कुछ पाओ कुछ खाओ, बट आपने देख लिया मेरे साथ यही काफ़ी इतना दूर। और दुकान में चीज़ें उतने महंगे नहीं है, सस्ते हैं इसमें। हो गया अपना, अभी पार्किंग है अपने सामने, पार्किंग से निकल जाते हैं अभी। कैक्टस देख रहे हो कितना बड़ा है, इस कैक्टस के बनाया जाता है यहाँ पे एक ड्रिंक जिसका नाम है फूल के, जो यहाँ पे मेरे होस्ट और दोस्त खा रहे हैं। बाकी डांस देखो, यहाँ का लोकल डांस है।